तो आज हम बात करने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से एज वेल एज सर्टिफिकेशन के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत ही क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं। ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे जानते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। ओके, डबल इक्वल के बारे में हम पहले जानेंगे, नॉट इक्वल के बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे टाइम। ओके, इट इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू असाइन ऑन बोथ इंड एलएचएस एंड आरएचएस। ये दोनों एलएचएस और आरएचएस एक्ट जो वैल्यू असाइन किया गया होता है उसके कंपेरिजन करने का काम करता है। ओके, और ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि किन किन डाटा टाइप पर ये एप्लीकेबल है और नहीं है। इफ बोथ आर दी इक्वल रिटर्न दी ट्रू, इट मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की अगर वैल्यू जो है इक्वल है तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और जो उसकी रिटर्न टाइप होती है वो बूलियन होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो बूलियन में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स के रूप में हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा है रिटर्न टाइप बूलियन, इट मीन्स ट्रू और फॉल्स में हमें वैल्यू मिलेगा जब भी ऑपरेशन पे परफॉर्म होगा। ओके, और बेसिकली जो ये कंपेरिजन ऑपरेटर है ना वो सभी प्रिमिटिव डाटा टाइप एज वेल एज ऑब्जेक्ट बेसिस पे भी एक परफॉर्म करता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग बफर हो गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग की कैसे काम करता है। ओके, तो पहले हम जानते हैं प्रिमिटिव डाटा लेवल के बारे में। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव लेवल पर ये केवल वैल्यू को चेक करता है, जब आप ऑब्जेक्ट लेवल पर बात करोगे तो वहां पर रिफरेंस चेक होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग बारे में ग्रेटर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो पहले प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से मैंने अपना एक आईडी ओपन कर लिया है। ओके, तो यहां से मैंने ये आईडी ओपन कर लिया है और यहां पर सिंपली इसका प्रैक्टिकल देखती हूँ। तो यहां मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सिंपली, और यहां से हमें क्या करना है कंपेयर करना है। जैसे मान के 12 इक्वल टू, अगर हम 12 देंगे ना, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है ओके तो हमें रिजल्ट दे देगा ट्रू देगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल्स। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, फॉल्स वैल्यू मिलेगा। ओके, यहाँ देते हो 23 12, अगर ये नहीं इक्वल है तो ये सिंपली हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो हमें अजी आपको बताया कि इसमें जो भी इसका रिटर्न टाइप होती है ना वो वैल्यू होती है बूलियन टाइप। अब बूलियन में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, फॉल्स है तो हमें मिलेगा फॉल्स रिजल्ट। ओके, तो हमने यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है और वेट करते हैं अपनी आउटपुट। यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, पहला ट्रू हो गया, दूसरा क्या आएगा, फॉल्स हो गया। तो ये हमारा होगा कि यहाँ पर प्रिमिटिव लेवल, प्रिमिटिव डाटा टाइप पर। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या करता है, सिंपली वैल्यू को चेक करने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यहां पर है सिंपली, ये बूलियन टाइप पे भी एप्लीकेबल है कि नहीं, चलो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और लिखते हैं ट्रू इक्वल टू ट्रू, अगर बोथ आर इक्वल रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो यहां देखिए रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। इट मीन्स ट्रू एंड ट्रू जो आपस में इक्वल है, इसीलिए तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव डाटा टाइप पर ये एप्लीकेबल है। चाहे फ्लोट हो, डबल हो, किसी पर भी है, सब पर ये एप्लीकेबल है। तो यहां पर आप वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करके चेक करता हूँ। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल पे। ओके, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा ग्रेटर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली जब ये ऑब्जेक्ट लेवल पे बात आती है ना तो ये वैल्यू ना चेक कर उसके रेफरेंस को चेक करता है। ओके, कैसे, तो चलो दिखाता हूँ सिंपली। यहां मैंने लिख दिया स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू न्यू, और सिंपली मैं यहां देता हूं स्ट्रिंग, यहां सिंपली मैं दे देता हूं स्ट्रिंग। ओके, और यहां से मैं एक वैल्यू दे देता हूं सिंपली क्या, जॉन। ओके, और इसी को मैं कॉपी करता हूं कंट्रोल सी, और यहां से इसको मैं कर देता हूं एस टू। ओके, एस टू से करता हूँ और यहां से मैं एक लेता हूँ प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां देते हैं एस वन इक्वल टू एस टू। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें जो वैल्यू दिया गया क्या है, वो जॉन है, और इसमें वैल्यू क्या है, जॉन है। लेकिन ये जो कंपेरिजन हुआ ऑब्जेक्ट बेसिस पे, स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, जावा में ऑब्जेक्ट टाइप है। तो जब ये ऑब्जेक्ट टाइप आती है तो यहाँ पर ये वैल्यू को ना चेक कर इसके रेफरेंस को चेक करता है कि एस वन किस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है और एस टू किस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफरेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके,
तो सिंपली यहां से मैं इसको रन एग्जीक्यूट करता हूं और यहां से आपको दिखाने की कोशिश, यहां वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स हो गया। अब यहां पर आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं चलिए पेंट की हेल्प से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं यहाँ सिंपली पेंट ओपन करता हूँ और इसे समझाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, सिंपली मान चलिए दो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो मैं यहां से सिंपली ले लेता हूँ, ऐसे इंक्रीज साइज करता हूँ। ओके, और यहां से मैं इसके लिया हीप ए गया सिंपली, और यहां पर हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो सिंपली मैं यहां से दो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ, तो यहां से हमारा दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट हो गया एस वन के लिए और एस टू के लिए। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसमें दोनों में वैल्यू क्या हमारा था, जॉन था। ओके, तो सिंपली यहां से मैं इसके लिए वैल्यू भी दे देता हूँ उसमें, जॉन। तो मैंने यहां से दे दिया जॉन, और यहां पर भी वैल्यू दे दिया जॉन, वैल्यू दे दिया जॉन। मैंने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट इसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया, अगर आपने मेरा स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट का प्ले नहीं देखा तो वहां जाकर देखिए, और बहुत ही है। अब एक दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों को हीप एरिया में रहेगा, तो ये बेसिकली क्या है, हीप एरिया है। ओके, मेमोरी का हीप एरिया है। और यहां से एक होता है एस सी पी, वहां पर एक इसका जोन का भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैं उसको सिंपली ले देता हूँ एस सी पी, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूर। अब यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा बेसिकली। ओके, तो मैं ये दिखाता हूँ, तो ये एस सी पी एरिया में भी एक जोन सिंपली यहां से क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो एस वन होगा और एस टू होगा ना, वो सिंपली इसको, एस वन इसको रिफरेंस करेगा और एस टू इसको रिफरेंस करेगा, सिंपली कुछ लाइक ऐसे। ओके, अब यहां से क्या है, एस टू इसको रिफरेंस करेगा सिंपली और एस वन इसको रिफरेंस करेगा। अब दोनों का कंपैरिजन करें, क्या ये एस वन इस ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर रहा है, इसकी ये रिफरेंस कर रहा है। अब इसकी आईडी, रिफरेंस आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इसकी रिफरेंस आईडी क्या होगी, मान चलिए इसकी रिफरेंस आईडी दे रखा है 400, और इसकी क्या दे रखा है, मान चलिए 500 दे रखा है, 5000, अब 4000। तो इन दोनों को क्या रिफरेंस आईडी है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहां पर हमें क्या वैल्यू मिला था, फॉल्स मिल रहा था। यहां पर बेसिकली जो वैल्यू है ना, ये ना चेक होकर, डाटा ना चेक होकर, ये रिफरेंस आईडी को चेक करता है, और हर एक ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं कि आईडी होता है डिफरेंट होता है। ओके, तो इसलिए यहां पर वैल्यू फॉल्स फॉल्स आ रहा था। ओके, तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे पूरा। अब एक चीज और बताता हूँ, ऑब्जेक्ट लेवल बेसिस पे क्या होती है, कि यहाँ पे जो होनी चाहिए ना, ये स्ट्रिंग मतलब जो ऑब्जेक्ट मतलब वो सिबलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ही ये पे कम करेगा। अगर सिबलिंग रहेगा ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम हमें एरर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर ले लूं सिंपली स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर ले लूं, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसमें सिंपली अगर मैं पास कर दूं ना जॉन, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ओके, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्यों आएगा मैं अभी दिखाता हूँ इसके बारे में, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और यहाँ देखिए हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, कह रहा है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग एंड जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बफर, बीच में है टाइप आ रहा है, क्या इनकम्पेरेबल टाइप, मतलब इसके बीच में कंपेरिजन आप नहीं करा सकते हो। क्यों नहीं, क्योंकि जब भी आप डबल इक्वेटर लगाओगे और वो ऑब्जेक्ट बेसिस पे ना, तो इसके बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, जबकि दोनों आपस में क्या होता है, सिबलिंग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ से स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, जो कि मैंने इसको स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में पूरे मैंने दिखाया था आप लोगों को। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसकी चाइल्ड क्या है, स्ट्रिंग भी है, और इसकी चाइल्ड क्या है, स्ट्रिंग बफर भी है और नंबर भी है। तो ये क्या है, आपस में सभी क्या है, सिबलिंग्स है, इसलिए आप सिबलिंग के बीच में कंपैरिजन नहीं करा सकते। इसके बीच में क्या होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, या तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कंपेरिजन, लेकिन सिबलिंग के बीच में आप कंपेरिजन नहीं करा सकते, इसलिए कंपाइल टाइम एरर रहता है। इस फिगर को नोट कर लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहां पर मैंने इक्वल ऑपरेटर की बात की थी, अब हम नॉट इक्वल ऑपरेटर की बात करने जा रहा हूं। ओके, नॉट इक्वल के ऑपरेटर के बारे में बात आते हैं। तो यहां पर हमें जो भी बात अभी किया है वो थे हमारा इक्वल ऑपरेटर के बेसिस पर, अब नॉट इक्वल के ऑपरेटर की बात करता हूं। तो क्या रहा है, इट इज आल्सो यूज टू कंपेयर द वैल्यू असाइन ऑन बोथ एंड, ये भी कंपेरिजन किसके बेसिस करता है, दोनों साइड एलएचएस और एचएस जो वैल्यू दिया गया उस पर करता है। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, ये वैल्यू कब करता है कंपेरिजन, जब प्रिमिटिव लेवल के डाटा टाइप होती है, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, ओके, बुलियन कैरेक्टर, तो इसमें वैल्यू को ही कंपेरिजन करता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट की लेवल की बात होती है, तो वहां पर ये करता है, रेफरेंस को कंपेरिजन कराता है। ओके,
आप जानते हैं क्या, इफ बोथ आर नॉट इक्वल रिटर्न्स ट्रू। इट मीन्स क्या हो कि दोनों अगर नहीं इक्वल है ना तो रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू देगा। नॉट इक्वल ऑपरेटर है इसीलिए। बोथ आर नॉट इक्वल रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। रिटर्न टाइप बूलियन, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, बूलियन ही होती है। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली यहां समाते हैं, इसको इरेज करते हैं, और देखिए मैंने क्या कर दिया, सिंपली एक वैल्यू ले लिया 22 नॉट इक्वल 13। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। 12 नॉट इक्वल टू 13, ये बात बिल्कुल सही, 12 इसके इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, तो इसको भी जब आप ऑब्जेक्ट लेवल बात करिएगा तो इसका भी वही रोल प्ले होता है, यहाँ रिजल्ट क्या, ट्रू। तो आप इन सबको प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए और सॉल्व करिए। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।